हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिम्स ऑफिशियल। आई साथी राजपूत, योर एसएससी टीचर, एंड टुडे वी विल स्टार्ट हिस्ट्री चैप्टर 1, हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ, व्हेन एंड वेयर। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे चैप्टर का नेम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, तो हम हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे कि हिस्ट्री में जो भी इवेंट्स हुए हैं वो हाउ मींस यानी कि कैसे हुए, व्हेन मींस कब हुए और कहाँ हुए। ठीक है, तो पास्ट के बारे में बेसिकली हम जो भी इवेंट्स पढ़ते हैं वो किसी ना किसी डेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो यही होने वाला है कि हाउ इम्पॉर्टेंट्स आर डेट्स। तो यानी कि डेट्स इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं। तो स्टूडेंट, जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हाउ इम्पॉर्टेंट्स आर डेट्स, यानी कि जो डेट्स हैं वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम अपना पैराग्राफ स्टार्ट करें, एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं हम कि डेट्स क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे मेरे लिए 24 सितंबर 2015 एक इम्पॉर्टेंट डेट है ना। अब आप सोचेंगे कि क्यों ये डेट इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि मेरे लिए ये डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन मेरी बेटी का बर्थ हुआ था, है ना। तो ये जो डेट है वो एक इवेंट से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो इसीलिए वो डेट मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई। तो ऐसे ही हिस्ट्री में भी है, हिस्ट्री में भी जो इवेंट्स हुए हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, जो भी वॉर हुए हैं, ठीक है, जितने भी रूलर्स आए हैं उन सब का जो एक टाइम पीरियड रहा है तो वो एक डेट से रिलेटेड है। तो इसीलिए जो डेट्स हैं वो हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं, एक हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, इसीलिए हम हिस्ट्री में डेट्स को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो पैराग्राफ गिवन है बुक में उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ओके, देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियन वर पैशनेट विद डेट्स। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड और बैटल वर फॉट। इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वॉज सिनोनिम्स विद डेट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ में कहा गया है कि एक टाइम था हमारे पास्ट में, हिस्ट्री में, कि जब जो हमारे हिस्टोरियंस यानी कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड बातें करते हैं, जो हमारे इतिहासकार जो होते हैं, जिन्होंने इतिहास के बारे में लिखा है, ठीक है, तो एक टाइम था जो हिस्टोरियंस थे हमारे वो डेट्स के जादू में ही खोए रहते थे, यानी कि वो डेट्स के बारे में बातें किया करते थे। तो उनके बीच में यानी कि उन हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट्स चला करती थी, बहुत चीज़ों को लेकर बहस होती थी कि कौन से राजा को किस ईयर में क्राउन पहनाया गया, उसने कौन कौन से बैटल्स लड़े। ठीक है, अगर हम एक कॉमन सेंस में कहें, हिस्ट्री को क्या है, डेट्स का सिनोनियम्स माना जाता है। सिनोनियम्स यानी कि पर्यायवाची, ठीक है, यानी कि हम हिस्ट्री को कहीं ना कहीं डेट्स से रिलेट करते हैं। यू मे हैव हर्ड पीपल से आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स इन सच अ कैप्शंस। ट्रू, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आपने भी कई बार सुना होगा, अपने क्लासमेट्स को भी बोलते हुए सुना होगा या फिर और बड़े लोगों से भी सुना होगा कि वो हिस्ट्री को क्या समझते हैं कि एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। क्यों? क्योंकि आपको भी लगता होगा कि हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें बहुत सारी डेट्स को मेमोराइज़ करना है, उन डेट्स को याद रखना है, रटना है ना, और इसी वजह से थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है हिस्ट्री को पढ़ना और लोग हिस्ट्री को बोरिंग समझने लगते हैं। ठीक है, तो क्या हिस्ट्री के बारे में ये जो एक कंसेप्शन है लोगों का, जो एक ये धारणा है, क्या वो सही है? तो यही हम जानेंगे आगे।
कि वाकई हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट है। नहीं, हिस्ट्री एक बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ डेट्स को मेमोराइज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। बट जब हम उन डेट से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, जो जो इवेंट्स हुए हैं, और उसके बारे में जब हम पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो हमें वो डेट्स नेचुरली याद हो जाती हैं, क्योंकि हमने उन इवेंट्स को अच्छे से पढ़ा है, समझा है। तो हिस्ट्री सिर्फ डेट्स को रटना नहीं है, ठीक है, उन इवेंट्स को जानना है, उस टाइम को जानना है कि किस सिचुएशन में ये सब चीज़ें हुई, है ना, उसके पीछे क्या रीज़न रहे, ठीक है। नेक्स्ट, हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, ठीक है। हिस्ट्री, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो हिस्ट्री है वो हमें आने वाले, मतलब टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में बताती है, ठीक है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज, ठीक है। तो हिस्ट्री हमें क्या बताती है कि पास्ट में चीज़ें कैसी थीं और आज के टाइम में, यानी कि प्रेजेंट में, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या बदलाव आए हैं, ठीक है। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, वी रेफर टू टाइम एंड वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। और जैसे जैसे हम प्रेजेंट की बात करते हैं या पास्ट की, जो प्रेजेंट और पास्ट को हम कंपेयर करते हैं, तो हम टाइम का जिक्र करते हैं ना, समय को रेफ़र करते हैं, टाइम को रेफ़र करते हैं। और जनरली हम क्या बात करते हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर, यानी कि बिफ़ोर यानी कि पहले चीज़ें कैसे थी, आफ्टर यानी कि बाद में उनमें क्या क्या चेंजेस आए। ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट वॉट वी सी अराउंड अस। इट मीन्स स्टूडेंट्स, देखिए, हमारी जो एक डेली लाइफ रूटीन है, जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, ठीक है, उसमें कई बार क्या होता है, हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और हम उन पर कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, है ना। हम नहीं सोचते कि ये जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, क्या ये हमेशा से ऐसी थी, या इनके पीछे इनको कैसे बनाया, किसने बनाया, तो हम ऐसे जनरली क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, है ना, हम चीज़ों को क्या लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, यानी कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो चीज़ें हमें आज दिख रही हैं वो हमेशा से ऐसे ही रही होंगी, बट ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें जो हम आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं वो पास्ट में नहीं थी। मोस्ट ऑफ अस हैव आर मोमेंट ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हम उनको देखकर वंडर यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना, और हम कई बार बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं उस चीज़ के बारे में जानने के लिए कि कैसे ये चीज़ डेवलप हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो पेंसिल यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, जो पेन यूज़ करते हैं, है ना, तो कई बार हमारे माइंड में ऐसे बैठे बैठे ख्याल आ जाता है कई बार कि किसने उस पेंसिल का इन्वेंशन किया होगा, किसने बनाया होगा, किसके माइंड में ये थॉट आया होगा कि हम ऐसे वुड का और लेड का यूज़ करके पेंसिल बना सकते हैं और उसको लिखने के यूज़ में ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी होती है जब हम क्यूरियस होते हैं, यानी कि हम चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, है ना। बहुत से लोग होते हैं चीज़ों को यूज़ करते हैं और यूज़ कर लेते हैं बट नहीं जानना चाहते कि ये किसने बनाया, क्यों बना, क्या ज़रूरत थी इसकी बनाने वाले को, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे जो एक क्यूरियस माइंड है चीज़ों को जानने की एक इच्छा करता है, एक एक उत्सुकता होती है लोगों के मन में चीज़ों को लेकर जानने की कि इनका पास्ट क्या रहा और कैसे ये चीज़ें डेवलप हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला एग्जांपल जो दिया गया है वो है वॉचिंग
Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder when did people begin to drink tea or coffee. देखिए कई बार जब हम जो रोड साइड वेंडर होते हैं, चाय वाले जो होते हैं, जो चाय वगैरह बनाकर बेचते हैं, है ना, तो कई बार हम जब सड़क के किनारे किसी को चाय पीते हुए देखते हैं तो हमारे माइंड में ऐसा क्वेश्चन रेज होता है कई बार कि जो चाय और कॉफ़ी लोग पीते हैं, इसको पीने का जो ट्रेंड है वो कब शुरू हुआ होगा, किसने फर्स्ट टाइम सोचा होगा कि हम चाय को ऐसे पी सकते हैं इसको बनाकर, है ना। और इसके अलावा जैसे कि आपका है लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन, यू मे आस्क योर सेल्फ व्हेन वर रेलवेज बिल्ट एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। कई बार आप भी जब रेलवे का सफ़र करते होंगे, ट्रेन से सफ़र करते होंगे, तो कई बार हम जब विंडो से बाहर की तरफ देख रहे होते हैं तो कभी कभी हमारे माइंड में ये आता है कि जो ट्रेन है इसका जो इन्वेंशन है वो कब हुआ होगा, किसने इसको बनाया होगा, फर्स्ट टाइम किसके माइंड में ये थॉट आया होगा कि ट्रेन को बनाया जाए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। और कई बार ये भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जब रेलवेज़ नहीं थे, जब ट्रेन्स नहीं थी, तो लोग जो एक लॉन्ग डिस्टेंस थे उसका ट्रैवल कैसे किया करते होंगे, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते होंगे। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन हमारे माइंड में तभी आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल इसमें दिया गया है जो है आपका न्यूज़पेपर का। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू बी प्रिंटेड। यानी कि जब कई बार हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना, तो हमारे माइंड में ये थॉट आता है और हम ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि जिस टाइम पर, यानी कि पास्ट में जब अखबार नहीं छपते थे, जब न्यूज़ चैनल्स नहीं थे, तो उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती होगी, कैसे उनको पता चलता होगा कि एक कंट्री इसके दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, मतलब एक कंट्री के ही जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अगर सोचें तो हमारे माइंड में आता है कि वाकई ये सब कैसे होता है, क्या रीज़न होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए और उसको लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।